नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। हाल ही में कर्नाटक के एक किसान ने पेड़ पर चलने वाली एक बाइक का आविष्कार किया है और तो और ये बाइक देश भर के किसानों के बीच काफी पसंद भी की जा रही है। लेकिन खास बात तो ये है कि किसान गणपति के इस इनोवेशन की तारीफ खुद मशहूर कारोबारी आनंद महिंद्रा ने की है। और इतना ही नहीं, आनंद महिंद्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये बाइक कितनी कूल है, इसको बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार किया गया है। इसी के साथ उन्होंने अपने ट्वीट में महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के फार्म इक्विपमेंट सेक्टर के प्रेसिडेंट राजेश जेजुरीकर को मेंशन करते हुए कहा है, आपकी टीम इस डिवाइस की करीब से पड़ताल करे और देखे कि क्या हम मिस्टर भट्ट की इस डिवाइस को अपने फार्म सॉल्यूशन पोर्टफोलियो के तहत बेच सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि किसान गणपति द्वारा बनाई गई इस बाइक में केवल 1 लीटर पेट्रोल से करीब 80 नारियल और सुपारी के पेड़ों पर चढ़ा जा सकता है, यानी कि जिन पेड़ों पर चढ़ना सबसे मुश्किल भरा काम होता है, इस बाइक की मदद से उन पर आसानी से चढ़ा जा सकता है। इस बाइक के जरिए आप बस कुछ सेकेंड्स में ही पेड़ के ऊपर पहुँच सकते हैं और आसानी से कीटनाशकों का छिड़काव भी कर सकते हैं। हालांकि खेती बाड़ी के क्षेत्र में पहले के मुताबिक किसान अब ज्यादा तकनीकों का इस्तेमाल करने लगे हैं और किसान गणपति का यह आविष्कार भी देश भर के किसानों के बीच काफी पसंद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के सकलडीहा के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है, जिसके चलते किसानों ने नाराज होकर बीते बुधवार को तहसील मुख्यालय कैंप कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, इस दौरान किसानों ने योजना का लाभ दिलाने की मांग करते हुए तहसील प्रशासन और कृषि विभाग पर लापरवाही का आरोप भी लगाया, साथ ही उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि किसानों ने इस संबंध में जिला प्रशासन को डाक के माध्यम से पत्रक भी भेजा है। किसानों का आरोप है कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी के दोबारा शपथ लिए जाने के बाद ही किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने का ऐलान किया गया था, जिसके चलते इस योजना का लाभ पाने के लिए कई किसानों ने आवेदन भी किए थे, मगर वो इस लाभ से अभी तक वंचित हैं। गांव के किसान हर रोज तहसील का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी तहसील प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि किसानों ने टेल के खेतों तक पानी न पहुँचने, जाम की समस्या, खाद और स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा किसानों को दवा आदि की सुविधा न उपलब्ध कराने का आरोप भी लगाया है। करनाल के पांच गांवों के चकबंदी पीड़ित किसानों ने एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर हंगामा किया है। किसानों ने बीते बुधवार को अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय में जमकर नारेबाजी की और डीसी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि पीड़ित किसानों का आरोप है कि घरौंडा के तहसीलदार राकेश मलिक ने जो फैसला किया था वो भूमाफिया की मिली भगत और दबाव में किया गया है। उस फैसले से किसी को भी न्याय नहीं मिला, जिसके बाद किसानों ने डीआरओ करनाल को भी अपील दायर की है। इसी के साथ चकबंदी पीड़ित किसानों ने प्रशासन को 1 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है। किसानों का कहना है कि यदि प्रदेश सरकार और प्रशासन ने उनकी मांगों को नहीं माना तो 2 जुलाई को दिल्ली में प्रधानमंत्री के समक्ष किसान अपनी समस्या रखेंगे। दरअसल आपको बता दें कि 30 जून 2017 को रोहतक कमिश्नर ने चकबंदी मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि चकबंदी पीड़ित किसानों की खरीद पूरी की जाए और चकबंदी रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करने और ओवरराइटिंग करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। हालांकि उस फैसले के बाद मामले की कार्यवाही तहसील कार्यालय में हर सप्ताह की गई, लेकिन तहसीलदार राकेश मलिक ने जो फैसला सुनाया वो भूमाफियाओं से मिलीभगत करके और दबाव में सुनाया गया है। ऐसे में किसानों का आरोप है कि अधिकारियों से उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, सब कुछ मिलीभगत से हो रहा है, जिसके चलते किसानों ने सीएम को लिखे ज्ञापन में न्याय की गुहार लगाई है। तो दोस्तों, किसान बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।